ओप्पो फाइंड एक्स एक ऐसा फोन है जो कि बेजललेस फोन के कंपटीशन में बाकी कंपटीटर्स के मुकाबले बहुत ही आगे जाएगा, क्योंकि इस फोन का यूनिक डिजाइन देख के आप बेशक हैरान होंगे। इस फोन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि रूमर स्पेसिफिकेशंस के ऊपर बेस्ड था, लेकिन इस वीडियो में इस फोन का ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। सो माय नेम इज शिवम एंड यू आर वॉचिंग टेक सॉल्यूशंस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। The most interesting aspect of the Find X design is its camera system, which is completely hidden when the phone is off or the camera app is closed. When you turn the Find X on and open the camera app, the entire top section of the phone motorizes up and reveals a 25 megapixel front-facing camera, 3D facial scanning system, and 16 megapixel plus 20 megapixel dual rear camera. Close the camera app and the whole assembly motor back into the phone chassis. Oppo says the camera can open in just 0.5 seconds, and based on my experience, that seems fairly accurate. Otherwise, the Find X looks very similar to Samsung Galaxy S9 Plus thanks to its curved size and rounded corners. तो चलिए इस फोन का डिस्प्ले को अब देखते हैं। इस फोन में आपको 1080p OLED पैनल देखने को मिलेगा। सीरियसली, इसका डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको 6.4 इंच 1080p डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और बहुत ही अच्छा बात इसमें है कि इसमें आपको नॉच देखने को नहीं मिलेगा। वो नॉच है वो एक्चुअली आईफोन 10 का कॉपी है, जो कि हर ब्रांड्स कॉपी करने में लगा हुआ है। और इसमें जो आपको हार्डवेयर मिलेगा वो है स्नैपड्रैगन 845, जो कि 8GB रैम के साथ आएगा। तो परफॉर्मेंस के अनुसार आपको इसमें कोई कंप्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। और इसका जो बैटरी है वो भी डिसेंट है। इसमें आपको 3730 mAh बैटरी देखने को मिलेगा। इसका जो कैमरा आपको देखने को मिलेगा वो है 16 मेगापिक्सल f2.0 प्लस 20 मेगापिक्सल f2.0 अपर्चर के साथ। इसमें आपको फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस, OIS, डुअल LED, डुअल टोन फ्लैश देखने को मिलेगा। इसमें आप 4K 30fps पर वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा इसका जो फ्रंट कैमरा है उसमें आपको 25 मेगापिक्सल f2.0 अपर्चर के साथ एक कैमरा देखने को मिलेगा। इसमें आपको यूएसबी टाइप सी देखने को मिलेगा, और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो है एंड्रॉइड 8.1, जो कि ओप्पो का कस्टम UI कलर OS 5.1 के ऊपर बेस्ड होगा। इसमें आपको 128GB स्टोरेज देखने को मिलेगा, जो कि 8GB रैम के साथ आएगा, और जो 6GB रैम का वेरिएंट होगा उसके साथ आपको 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। और एक बात, इसका जो बॉडी टू स्क्रीन रेशियो है वो भी बहुत ही कम है। 93.8% इसका बॉडी टू स्क्रीन रेशियो है, जो कि फिलहाल ही लॉन्च है सभी फोन्स से बहुत ही कम है। सो ओप्पो जस्ट नेल्ड इट। इसका डिजाइन मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है यार, जस्ट ऑसम डिजाइन किया है इस फोन को। एंड आई होप ये फोन इंडिया में जल्द ही लॉन्च हो जाए। ये फोन जब भी इंडिया में लॉन्च होगा उसका वीडियो मैं सबसे पहले इस चैनल पे लाऊंगा। तो इसके लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना, और मैं हर रोज क्वालिटी टेक वीडियोस बनाता हूँ, उसके लिए प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक वीडियो बनाने में मुझे सच में बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है। एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।